जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में करी थी बात, वो प्रीवियस क्लास हमने किस चीज़ की बात करी थी? हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात करी थी, और हमने वहाँ पे ये जाना था एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा किस तरीके से काम करता है। आज हम थोड़ा सा उससे आगे बात करते हैं, और आज हम यहाँ पे बात करते हैं, उस दिन हमने यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो हमने प्रीवियस सेशन में बात करी थी, दैट वाज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मैंने आपको बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरीके से यूज़ करते हैं हम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ नया, और इसी में आगे हम बढ़ाते हैं बात को, और हम करते हैं फाइल, इसी को मैं सेव कर लेता हूँ cl21.cs के नाम से। और आज हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इंटरफेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटरफेस। ये देखो, जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस है क्या? तो इट इज जस्ट लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तरह ही होता है। मतलब यहाँ भी वही कहानी होगी कि इसको इनहेरिट करना होगा, यहाँ पे भी वही कहानी होगी कि जो इसको मेथड होंगे उसको बॉडी प्रोवाइड करनी होगी, यहाँ पे भी वही कहानी होगी कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, है ना? तो ये जो हमारा इंटरफेस होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह होता है, नंबर वन। नंबर टू, इसका फायदा क्या है? यूज टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखो, मैंने आपको बताया था कि .NET या जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता, मतलब एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट क्लास नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर हमें काम कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ इंटरफेस हम उस चीज़ को कर सकते हैं पार्शियली। याद रखना, इंटरफेस के अंदर, अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भाई जो हमारा इंटरफेस है और जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, दोनों में अंतर क्या है? भाई एक है हमारा इंटरफेस और दूसरा हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, दोनों में अंतर क्या है? ये गारंटेड क्वेश्चन है तुम्हारे सारे इंटरव्यूज का। याद रखना, ये जो हमारा इंटरफेस होता है, इंटरफेस क्लास कैन इनहेरिट, ए क्लास कैन इनहेरिट मल्टीपल इंटरफेस। एक क्लास जो है मल्टीपल इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैक्सिमम वन। कोई भी क्लास मैक्सिमम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकता है, लेकिन क्लास में मल्टीपल इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं इंटरफेस के अंदर। नंबर टू, इसके अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं, ऑल द मेथड्स, वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। और यहाँ पे ये जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, कैन बी एब्स्ट्रैक्ट, वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, प्लस उसके अंदर आप कंक्रीट भी डाल सकते हो ना, मतलब वैसा मेथड भी डाल सकते हो जहां पर बॉडी हो। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है, बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो यहां पे पब्लिक होता है इंटरफेस के अंदर, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास चूंकि एक क्लास है, तो क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होता है? जो एक्सेस मॉडिफायर होता है वो प्राइवेट होता है। यहाँ पे क्या है कि नो एक्सेस मॉडिफायर अलाउड, आप यहाँ पे कुछ लगा नहीं सकते, मतलब आप यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट ये सब लगा नहीं सकते, और यहाँ पे अलाउड है, जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा दें, ठीक। तो याद रखना, ये हमारा इंटरफेस का पांचवा, याद रखना कि इंटरफेस कैन इनहेरिट अदर इंटरफेस। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को भी इनहेरिट कर सकता है, और यहां पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कांट इनहेरिट अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अनदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। तो ये अंतर होता है किसमें, इंटरफेस के अंदर में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर में। चलो पहले हम एक इंटरफेस बनाते हैं। अभी आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास दिया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कर देंगे इंटरफेस। तो ये हमारा इंटरफेस है, और मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर पब्लिक नहीं लगेगा और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं लगेगा। ये जो बाय डिफॉल्ट जो तुमने मेथड बनाया, ये मेथड बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा प्लस एब्स्ट्रैक्ट होगा। आप यहाँ पर पब्लिक लगा नहीं सकते, आप यहाँ पर पब्लिक लगा नहीं सकते, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे मान लो मैंने एक इंटरफेस बनाया, अब मैं यहाँ पर दूसरा इंटरफेस बना लेता हूँ। अब मैं यहाँ बोलता हूँ इंटरफेस बी, और इस बी के अंदर मान लो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिस्प्ले वन, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्प्ले टू। अब याद रखना हम बोलते हैं क्लास सी, सी किसको इनहेरिट करेगा। अब हम यहाँ पे बोलते हैं ए कॉमा बी, इसका मतलब आप ये दोनों इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकते हो। अब देखो सीधी सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही तो है, यहाँ पर कोई बॉडी नहीं है ना। और एक बात और याद रखना कि जो हमारा इंटरफेस होता है, इंटरफेस के अंदर कांट डिक्लेयर वेरिएबल, आप यहाँ पर वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है, आप यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। ध्यान रखें, ये देखो अब हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सी, सी किसको इनहेरिट करेगा, ए और बी को। अब भाई आप इनहेरिट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, किसको, बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, किसको, डिस्प्ले वन को, कर दिया। अब जो डिस्प्ले टू है उसको भी तो करना होगा, क्योंकि तुम उसे भी तो इनहेरिट कर रहे हो, तो आप डिस्प्ले टू को भी इनहेरिट करेंगे, है ना। आप जरा गौर से देखो ना, तो यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा रहे हैं, ना तो हम यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड लगा रहे हैं, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है, आप करना है। तो यहाँ पे याद रखना, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट एंड ओवरराइड कीवर्ड ये सब नहीं चलता, एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइड ओवरराइड ये सारे जो कीवर्ड है ना, इसकी जरूरत नहीं है, नॉट अलाउड। और यहाँ पे ये अलाउड है, ये मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर यदि आप नहीं लिखोगे तो वो काम थोड़ी करेगा। तो ये अंतर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के अंदर में। अब देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भाई हमारा सी का आपने ऑब्जेक्ट बना लिया, और मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, 111 कर देते हैं, 222 कर देते हैं, ये दूसरा मेथड है। ये हम लेते हैं क्लास डी, ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे, सी का। अब बोलते हैं सी जेड इज इक्वल टू न्यू सी। अब मुझे किसे कॉल करना है, डिस्प्ले टू को कॉल करना है, डिस्प्ले वन को कॉल करना है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, हो गया। तो इंटरफेस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, कि इंटरफेस का यूज़ करके आप मल्टीपल इनहेरिटेंस के तरह काम कर सकते हो। ये देखो क्लास सी है, सी किसको इनहेरिट कर रहा है, ए और बी को। इंटरफेस का भी फ़ायदा वही होता है कि भाई कंपनी में आप काम कर रहे हो तो कंपनी के जो मतलब आपके जो सीनियर्स होंगे वो क्या करेंगे, कुछ इंटरफेसेस वगैरह लेके आपको दे देंगे, आपको अपने प्रोग्रामों से यूज़ करना है। इंटरफेस का फ़ायदा ये है कि जो मेथड है आप वही मेथड यूज़ करोगे, फालतू का कोई और नाम लेके दोगे नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे तो जिस काम को करने के लिए मैं बता रहा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ नहीं होता, बल्कि उसके लिए इंटरफेसेस हम यूज़ कर सकते हैं, इंटरफेस ज़्यादा बेहतर है। इंटरफेसेस के अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसा मेथड नहीं हो सकता जिसके अंदर बॉडी हो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अलाउड होता है। अब यदि मैं इसको सेव करूँ और मैं यहाँ पर डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट में आ जाता हूँ और मैं ई ड्राइव में आता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आके इसका फॉन्ट चेंज कर देता हूँ और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ CSC, हमारे फाइल का नाम क्या था, CL21.CS। अब जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ CL21, ये अपना काम करेगा। ये देखो आ गया, यही होता हमारा इंटरफेस। तो इंटरफेस कोई मतलब अलग सा चीज़ नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह ही है, थोड़ा सा सिंटेक्स वगैरह का हमें ध्यान रखना होता है। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर मेथड डालते हैं वो पब्लिक होता है। यहाँ पे आप कोई भी मतलब ये देखो, एक क्लास कैन इनहेरिट मल्टीपल इंटरफेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैक्सिमम एक आप इनहेरिट कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी मेथड्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों हो सकते हैं। बाई डिफॉल्ट जो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर होता है वो पब्लिक होता है, मैंने कुछ नहीं लगाया लेकिन ये बाई डिफॉल्ट पब्लिक है, यहाँ प्राइवेट होते हैं।
नो एक्सेस मॉडिफायर इज अलाउड। यहाँ पे देखो मैंने पब्लिक वब्लिक कुछ भी नहीं लगाया, लगा भी नहीं सकते, यहाँ पे अलाउड है। इंटरफेस कैन इनहिट अदर इंटरफेस, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहिट करता है, मैं अभी दिखाता हूँ कैसे करता है। एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहिट कर सकता है, लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहिट नहीं कर सकता। कांट डिक्लेयर वेरिएबल, आप यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कर सकते हैं। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट ओवरराइड ये सारे कीवर्ड अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी है, नहीं लगाओगे तो काम ही नहीं करेगा। तो ये डिफरेंसेस होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस के अंदर। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ सेव एज, मैं यहाँ पर बोलता हूँ cl22.cs। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहिट कर सकता है। अब जैसे मान लो हमारा ये इंटरफेस है, याद रखना इंटरफेस कैन इनहेरिट अदर इंटरफेस, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहिट कर सकता है। ये देखो हम बोलते हैं इंटरफेस बी, और ये किसको इनहिट करेगा, ये ए को इनहिट करेगा, कर लिया। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ क्लास सी, सी किसको इनहिट कर रहा है, बी को। और बी के अंदर आपने क्या ले रखा है, ए को भी ले रखा है, मतलब दोनों मेथड को आपको ओवरराइड करना होगा। तो एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को इनहिट कर सकता है, जैसे क्लास इनहिट कर सकता है वैसे इंटरफेसेस भी इनहिट कर सकता है। अब यदि मैं इसको सेव कर दूं, मैंने यहाँ पे किसको इनहिट करा है, बी को ना, और बी ऑलरेडी किसको इनहिट कर रहा है, ए, और मतलब बी कर रहा है ए को। इसका मतलब जब भी मैं बी को इनहिट करूँगा तो बी और ए दोनों हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे फाइल में आता हूँ, सेव कर लेता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ cl22.cs। अब मैं बोलता हूँ cl22 और ये अपना काम कर रहा है। ये देखो आ गया। अब जरा गौर से देखो एक चीज़, यहीं पे मैं और बता दूँ आपको, मैं बोलता हूँ cl23.cs। एक बात और याद रखना, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, चलो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ बोलता हूँ बी है हमारा, और मैं यहाँ पे इनहिट कर लेता हूँ ए कॉमा बी को। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो ए और बी दोनों कॉल हो जाते हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ए वाला तो कॉल हो जाए लेकिन बी वाला कॉल ना हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मुझे ए वाला कॉल करना है लेकिन बी वाला कॉल नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी जेड इज इक्वल टू न्यू। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए जेड इज इक्वल टू न्यू सी। आप जरा गौर से देखो, मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो इंटरफेस टाइप का किया है। मैंने बोला ए जेड, यानी कि जेड एक वेरिएबल है, कौन से टाइप का, ए टाइप का, इज इक्वल टू न्यू सी। चूँकि देखो मेमोरी जब भी एलोकेट होगा तो क्लास का ही होगा। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि हमने इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना दिया, याद रखना इंटरफेस का ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल, इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल। ठीक, तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि मैं अब अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ कि भाई मैं जो है ए वाले को ही कॉल करूँगा, मैं बी वाले को कॉल नहीं कर पाऊँगा। अब यदि मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो तुमने जो बनाया, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया वो तो ए टाइप का किया है, तो ए का मेथड ही तो कॉल होगा। तो मेरे कहने का मतलब, कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ किताबों में भी लिखा हुआ है कि ये इंटरफेस का आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, याद रखना ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल है। देखो आ गया, ए डज नॉट कंटेन द डेफिनेशन फॉर डिस्प्ले टू, भाई टू तो आप डाल ही नहीं सकते क्योंकि टू बी में था। तो अब मैं यहाँ पर कॉमेंट कर दूँ, अभी हमारा यहाँ पर काम करेगा। तो याद रखना ये इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल। अब मैं बोलता हूँ cl23, ये देखो ये अपना काम कर रहा है, गॉट इट। तो ये है हमारा इंटरफेस, इंटरफेस जब भी हम यूज़ करते हैं तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। यदि आपसे कोई बोलता है कि भाई जावा या .NET में मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है, तो आप बोलो हाँ ठीक है नहीं होता है, क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टेड फीचर है, विवादास्पद फीचर है। तो यदि हम उस तरीके से काम करना चाहते हैं तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है कि मैं इंटरफेस को लूँ और इंटरफेस को लेके यूज़ कर लूँ। हाँ, इंटरफेस के अपने लिमिटेशन है, लेकिन तब भी है। अब यदि कोई बोलता है क्या हम इंटरफेस को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट तो जब भी बनेगा वो क्लास का ही बनेगा, क्योंकि जो बॉडी होती है वो कहाँ पर होती है, क्लास के अंदर होती है। तो ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा क्लास का बनेगा। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है वो इंटरफेस टाइप का डिक्लेयर कर सकते हैं। समझ में आई बात?
अब आइए इसके बाद फाइल सेव, अब हम बात करते हैं सेव एज, और हम यहाँ बोलते हैं cl24.cs। अब यहाँ पे ज़रा मैं एक चीज़ को और निपटा दूँ, और वो है हमारा एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर ये भी अपने आप में बड़ा दिक्कत करता है, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, तो ज़रा मैं इसको भी निपटा दूँ। ये जो हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, ये एक्सेस मॉडिफायर का मतलब क्या होता है भाई, आप किस तरीके से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। एक्सेस करना मतलब कोई क्लास के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर है, उसको उठाना है, उसमें वैल्यू डालनी है, उसको डिस्प्ले करना है, मतलब व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। आई वांट टू एक्सेस द वेरिएबल्स, आई वांट टू एक्सेस द मेथड। तो डॉट नेट के अंदर जो हमारे यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर मतलब हाउ वी कैन एक्सेस द वेरिएबल्स। आप वेरिएबल्स को कैसे एक्सेस करोगे, हाउ वी कैन एक्सेस द वेरिएबल, इट्स नॉट वी कैन, हाउ वी कैन एक्सेस द वेरिएबल, बेसिकली इट्स बेसिकली हाउ वी कैन कंट्रोल द एक्सेस ऑफ, कंट्रोल द एक्सेस ऑफ वेरिएबल। आप जो वेरिएबल है उसके एक्सेस को कैसे कंट्रोल करोगे। अब ये तो है नहीं कि भाई आप मतलब कोई भी वेरिएबल है आप उसको कहीं भी कॉल कर लो, भाई एक लिमिटेशन तो होना चाहिए, कोई फंक्शन है कैसे कॉल करना है। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर हैं, तो अभी हम बात करते हैं जो हमारे एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, यहाँ पर हमारा एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक, यहाँ पर हमारा एक्सेस मॉडिफायर है इंटरनल, यहाँ पर हमारा एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट, यहाँ पर हमारा एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड, और यहाँ पर हमारा एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड इंटरनल, प्रोटेक्टेड इंटरनल। ये पांच एक्सेस मॉडिफायर होते हैं हमारे, पब्लिक, इंटरनल, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड इंटरनल। सबसे पहले यदि मैं इस पब्लिक की बात करूं, तो ये जो भाई साहब होते हैं पब्लिक, यदि मैं यहाँ पे इस पब्लिक की बात करूं, तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पर लिखता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये देखो, ये जो हमारा पब्लिक होता है इसको हम बोलते हैं टाइप, टाइप एंड टाइप्स मेंबर एक्सेस मॉडिफायर, इसको हम बोलते हैं टाइप्स एंड टाइप्स मेंबर एक्सेस मॉडिफायर। टाइप्स मतलब आप यहां पे, टाइप्स मतलब जैसे मान लो हमारा कोई क्लास है, हम बोलते हैं क्लास, हम बोलते हैं स्ट्रक्चर, तो आप यहाँ पे क्लास और स्ट्रक्चर के साथ भी लगा सकते हो, इसलिए बोलते हैं टाइप। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम यहाँ पे लिख सकते हो पब्लिक क्लास ए, तो आप यहाँ पे क्लास के साथ यूज कर सकते हो। तो टाइप का मतलब होता है, जो हमारा टाइप है, टाइप का मतलब है कि हम इस चीज़ को क्लास के साथ लगा सकते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ लगा सकते हैं, हम लिख सकते हैं पब्लिक स्ट्रक्ट ए, हम लिख सकते हैं पब्लिक क्लास ए, तो इसको हम बोलते हैं टाइप, टाइप और टाइप एक्सेस मॉडिफायर, टाइप और टाइप्स मेंबर एक्सेस मॉडिफायर। मेंबर का मतलब क्या है, मेंबर का मतलब क्या है, मेंबर का मतलब है कि जैसे हमारा कोई क्लास है, हमारा कोई क्लास है, हम बोलते हैं क्लास ए, अब इस ए क्लास के अंदर में मान लो हमारा कोई मेंबर है, तो उस मेंबर के अंदर भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, यानी कि जो हमारा मेंबर है उस मेंबर के अंदर भी हम ये सारा काम कर सकते हैं। जो हमारा मेंबर है वो मेंबर के अंदर भी हम लगा सकते हैं, क्लास है, क्लास के अंदर ही हमारा मेंबर है, तो क्लास के मेंबर के साथ भी लगा सकते हो, और जो हमारे टाइप्स हैं उसके साथ भी लगा सकते हो। याद रखना, जो टाइप होता है हमारा, इसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी होती है, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी होती है। हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी का मतलब इसको मैं कहीं से भी कॉल कर सकता हूँ, तो ये हमारा पब्लिक। अब देखो, ये जो है हमारा, ये जो हमारा इंटरनल है, ये पब्लिक के बाद ये दूसरे सबसे पावरफुल लोग हैं, ठीक है। तो इसको भी हम बोलते हैं टाइप्स एंड टाइप्स मेंबर एक्सेस मॉडिफायर, मतलब आप यहाँ पे क्लास के साथ भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे क्लास के साथ लगा सकते हो इंटरनल क्लास है, टाइप्स के साथ लग सकता है, और आप यहाँ पे मेंबर के अंदर भी लगा सकते हो। जैसे तुम मेथड बना रहे हो तो यहाँ पर पब्लिक की जगह तुम इंटरनल कर दो, तो बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है। याद रखना, जो इंटरनल होता है इसका अपना ये है, ओनली फॉर करंट असेंबली,
करंट असेंबली के अंदर आपको जो काम करना है कर ले। अब ये असेंबली क्या है, हम लोग यहाँ पर कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद कौन सी फाइल बनती है, exe फाइल बनता है ना। मतलब उस exe फाइल के अंदर में आप जो भी करना चाहो उसको कर सकते हो, कहीं भी कॉल कर लो। जो हम लोग exe फाइल बनाते हैं उसको हम लोग असेंबली बोलते हैं, कंपाइल करने के बाद exe फाइल बनता है। तो उस exe के अंदर आप इसका जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। हाँ, यदि मान लो कोई दूसरा प्रोग्राम, दूसरा exe इसको एक्सेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, इसीलिए तो इसको यूटर्नल बोलते हैं। ये क्या है, इसको आप कहीं से भी कर सकते हो, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी। यही अंतर होता है पब्लिक और इंटरनल में। देखो मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आप मेरा नाम जानते हो, क्यों? क्योंकि आप मेरा नाम जानते हो कि भाई मेरा नाम संतोष है। आप इसलिए जानते हो क्योंकि वो क्या है, पब्लिक। आप भी जानते हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप जानते हो, वैसे भी लोग जानते हैं जो मेरे स्टूडेंट नहीं है, और भी तमाम लोग जानते हैं, इवन कोई सर्च भी कर सकता है संतोष के नाम से। तो मेरे कहने का मतलब संतोष क्या है, ये हमारा पब्लिक है, ये हमारा नाम है, इसकी पब्लिक एक्सेसिबिलिटी है, इंटरनल। अब इंटरनल क्या है, मुझे एक बात बताओ, आप ये जानते हो कि मेरा कॉलिंग नेम क्या है, घर में लोग मुझे किस नाम से बुलाते हैं? आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता कि मेरा कॉलिंग नेम क्या है, चिंटू, पिंटू, पप्पू, गप्पू, पता नहीं क्या है। अब आपको थोड़ी पता है कि मेरा कॉलिंग नेम क्या है। इवन मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे जानने वाले लोग हैं, मतलब जो मेरे सगा संबंधी हैं, उनको यदि मैं ये बोलूं कि मैं संतोष बोल रहा हूं तो वो शायद मुझे नहीं पहचाने, बहुत ऐसे भी होंगे, उनको मेरा कॉलिंग नेम ही याद है। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? तो जो हमारा इंटरनल होता है, इंटरनल का मतलब यही होता है कि भाई उसको जानेंगे सब, लेकिन कौन, जो मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स होंगे, मतलब फैमिली मेम्बर्स मतलब सेम exe फाइल के अंदर में। तो जो हमारा इंटरनल होता है वो हमारा निकनेम है, जो हमारा इंटरनल है। याद रखना, इंटरनल हम क्लास के साथ भी लगा सकते हैं, मेंबर्स के साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, इंटरनल यदि किसी वेरिएबल को आपने इंटरनल बनाया, उसको आप क्लास के बाहर कॉल नहीं कर सकते। अब आप मेरे निक नाम से मुझे गूगल में सर्च करेंगे, मैं कुछ भी नहीं मिलूंगा। आप मेरे निक नाम से मुझे यूट्यूब में सर्च करेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं कम से कम नहीं मिलूंगा। तो मेरे कहने का मतलब इंटरनल जो होता है वो उस करंट असेंबली के लिए ही होता है। समझ में आई बात? अब देखो, ये जो हमारा प्राइवेट है, ये प्राइवेट भाई साहब क्या है, ये टाइप मेंबर एक्सेस मॉडिफायर है, ये टाइप मेंबर एक्सेस मॉडिफायर है। अब टाइप मेंबर एक्सेस मॉडिफायर का मतलब, तुम यहाँ पे ये नहीं लगा सकते हो कि भाई प्राइवेट, तुम यहाँ पे ये नहीं लगा सकते हो कि प्राइवेट क्लास के, ये चीज़ अलाउड नहीं है। जैसे तुम लगाते हो ना कि पब्लिक क्लास है, वो तो चलेगा, लेकिन क्लास के साथ कभी भी तुम प्राइवेट कीवर्ड नहीं लगा सकते, ये अलाउड नहीं है, क्योंकि ये मेंबर के साथ लगता है बस, ये टाइप्स के साथ नहीं लगता है, याद रखिएगा। हाँ, यदि मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ क्लास ए, और इस ए क्लास के अंदर में, इस ए क्लास के अंदर में मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ INT वाई। अब मैं यहाँ पे प्राइवेट लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, प्राइवेट का मतलब तो प्राइवेट ही है ना, प्राइवेट का मतलब होता है कि इसकी लोएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी होती है, ये कहीं जाएगा ही नहीं। इसकी जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो लोएस्ट लेवल पे होता है। लोएस्ट मतलब देखो, सीधी सी बात है, प्राइवेट है, प्राइवेट का मतलब। तो मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको याद रखने के लिए। आपको मेरा ये पता है कि मेरा ATM का मेरा पिन क्या है, मेरे डेबिट कार्ड का पिन क्या है? यू डोंट हैव, वो किसी के पास नहीं है मेरे अलावा, इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स के पास भी नहीं है मेरा डेबिट कार्ड का जो पिन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दैट्स बेसिकली व्हाट, दैट्स अ प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब इसकी जो दुनिया है वो इस क्लास के अंदर में ही है। प्राइवेट लोएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी, इसका कोई एक्सेसिबिलिटी है ही नहीं, वो अपने क्लास के अंदर ही, इस क्लास के अंदर आप इसको जो कर लो। देखो कितना अच्छी बात है, पब्लिक मतलब जहाँ से मन करे वहाँ से कॉल कर लो, इंटरनल मतलब अपने exe में जो करना है कर लो, प्राइवेट मतलब अपने क्लास में जो करना है कर लो, क्लास के बाहर ये कहीं नहीं जाएगा, इसको हम बोलते हैं प्राइवेट। समझ में आई बात? और ये जो प्राइवेट होता है ये लोएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी होती है, ध्यान रखिएगा, और ये कभी आप क्लास के साथ नहीं लगा सकते। मैंने कहाँ लिखा कि टाइप्स, मैंने लिखा टाइप्स मेंबर एक्सेस मॉडिफायर। अब देखो, ये हमारा प्रोटेक्टेड है, ये जो हमारा प्रोटेक्टेड है, ये प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट का ही बड़ा भाई है, ये भी टाइप्स मेंबर एक्सेस मॉडिफायर ही है। मतलब आप क्लास के साथ प्रोटेक्टेड नहीं लगा सकते, आप क्लास के साथ प्रोटेक्टेड नहीं लगा सकते। मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता कि प्रोटेक्टेड क्लास है, हाँ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ प्रोटेक्टेड INTY। याद रखना, लोएस्ट लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी,
लाइक प्राइवेट, प्राइवेट की तरह ही होता है ये भी, लेकिन एक अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कैन एक्सेस बाय द चाइल्ड क्लास। जो चाइल्ड क्लास होता है, मैंने आपको बताया था, जो हमारा चाइल्ड क्लास होता है, चाइल्ड क्लास प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकता है। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि जो मेरा नेम है वो पब्लिक है, जो मेरा निक नेम है वो इंटरनल है, मैंने आपको बताया जो मेरा डेबिट कार्ड का पिन है वो क्या है, प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड क्या है? जो मेरा अकाउंट नंबर है वो प्रोटेक्टेड है। मेरा अकाउंट नंबर मुझे भी पता है, और मेरा अकाउंट नंबर मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी पता है कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है। भाई मान लो कभी किसी से चेक डलवाना हो, कभी किसी से पैसे निकलवाना हो, भाई हमने चेक डाल दिया, मान लो हमारे अकाउंट में कुछ डिपॉजिट करवाना हो, तो उसके लिए तो हम डाल नहीं सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जो प्रोटेक्टेड होता है, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि सेम के क्लास में भी कॉल हो सकता है, और जो चाइल्ड क्लास होते हैं वो चाइल्ड क्लास भी उसको एक्सेस कर सकता है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मेरा नाम जो है वो पब्लिक है, मेरा जो निक नेम है वो इंटरनल है, और क्लास का जो मेरा डेबिट कार्ड का पिन है वो क्या है, प्राइवेट है, और जो मेरा अकाउंट नंबर है वो क्या है, प्रोटेक्टेड है। समझ में आई बात? अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं प्रोटेक्टेड इंटरनल। ये जो हमारा प्रोटेक्टेड इंटरनल होता है, ये भी टाइप्स एंड टाइप्स मेंबर एक्सेस मॉडिफायर होता है, ये भी हमारा टाइप्स एंड टाइप्स मेंबर एक्स मॉडिफायर होता है। याद रखना, ये टाइप्स के साथ भी लग सकता है और टाइप्स के मेंबर्स के साथ भी लग सकता है। ये प्रोटेक्टेड इंटरनल क्या है कि भाई जो सेम असेंबली होगा, भाई ये इंटरनल भी है और प्रोटेक्टेड भी है। तो इंटरनल है मतलब तो सेम असेंबली के लिए कॉल होगा, सेम असेंबली के लिए कॉल होगा, और साथ के साथ ये जो इनहेरिटेड असेंबली होगा वो इनहेरिटेड असेंबली के लिए भी काम करेगा। जो इनहेरिटेड असेंबली होगा उस इनहेरिटेड असेंबली के लिए भी ये काम करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि भाई ये हमारा यहाँ पे क्या है, पब्लिक प्राइवेट इंटरनल प्रोटेक्टेड एंड ऑल। अब जरा ध्यान से देखो, जो हमारा क्लास होता है, क्लास के अंदर याद रखना, हम यहाँ बोलते हैं पब्लिक, हम यहाँ बोलते हैं पब्लिक, याद रखना ये जो पब्लिक है हमारा, ये जो हमारा पब्लिक होता है, हम बोलते हैं क्लास, हम बोलते हैं इंटरफेस, हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये देखो, हम बोलते हैं पब्लिक, हम बोलते हैं पब्लिक, पब्लिक जो है याद रखना, जो हमारी क्लास होते हैं, क्लास के जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं। यदि मैं कुछ भी ना लगाऊं तो बाय डिफॉल्ट क्लास के मेंबर्स प्राइवेट होते हैं, और जो हमारा क्लास होता है, जो हमारा क्लास होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, क्लास जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है। जो क्लास होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटरनल। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ क्लास ए। अब ये जो क्लास है ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ये क्लास बाय डिफॉल्ट क्या है, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनल है। ये जो क्लास है ये बाय डिफॉल्ट हमारा ये इंटरनल है। तो याद रखना, जो क्लास होता है ये हमारा बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है, मतलब यदि मैं कुछ भी ना डालूं तो बाय डिफॉल्ट ही हमारा क्लास जो होता है इंटरनल होता है। हाँ, क्लास के मेंबर्स जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं। अब जैसे ये, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, प्राइवेट है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि क्लास में बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्सेस मॉडिफायर होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो क्लास होता है वो बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है। हम एक ही exe फाइल के अंदर क्लास को कहीं भी कॉल कर लें, तो क्लास जो होता है वो बाय डिफॉल्ट इंटरनल होता है। क्लास के मेंबर्स जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। याद रखना, क्लास के अंदर आप कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे क्लास के अंदर आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, ठीक। पहली चीज, क्लास में अलाउड है, सब अलाउड है, चाहे पब्लिक लगा दो, प्राइवेट लगा दो, प्रोटेक्टेड लगा दो, सारे अलाउड है, ठीक। अब देखो, क्लास के अलावा ये जो हमारा इंटरफेस होता है, ये जो हमारा इंटरफेस होता है, इंटरफेस के अंदर
इंटरफेस के अंदर जो हमारे इंटरफेस होता है, इंटरफेस के जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। इंटरफेस के मन मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। और जो हमारा इंटरफेस होता है, जो हमारा इंटरफेस होता है वो बाय डिफॉल्ट ये भी इंटरनल ही होता है। मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे क्या होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। और नथिंग अलाउड, यहाँ पे तुम कुछ भी नहीं लगा सकते, पब्लिक प्राइवेट ये सब नहीं लगा सकते। समझ में आई बात? इसके बाद याद रखना जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, तो क्लास के अंदर ये कहानी है, इंटरफेस के अंदर ये कहानी है। और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, जैसे क्लास के अंदर होते हैं। और स्ट्रक्चर भी हमारा बाय डिफॉल्ट इंटरनली होता है, बाय डिफॉल्ट इंटरनली होता है। और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर आप यहाँ पे पब्लिक लगा सकते हो, आप यहाँ पे प्राइवेट डाल सकते हो, आप यहाँ पे पब्लिक डाल सकते हो, आप यहाँ पे प्राइवेट डाल सकते हो, प्रोटेक्टेड नहीं डाल सकते। आप यहाँ पे इंटरनल भी डाल सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि वो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर सकता है, प्रोटेक्टेड नॉट अलाउड। क्योंकि प्रोटेक्टेड आप क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर जो होता है बाय डिफॉल्ट सील्ड होता है। सील्ड का मतलब आप उसको इनहेरिट नहीं करवा सकते। तो स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ये, तो ये हमारी कहानी है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। क्लास के मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, वो भी प्राइवेट होते हैं। इंटरफेस के जो मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। इंटरफेस में तुम क्या लगा सकते हो, कुछ भी नहीं। क्लास में क्या लगा सकते हो, सब कुछ। और स्ट्रक्चर में क्या लगा सकते हो, पब्लिक प्राइवेट इंटरनल। याद रखना ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखना होगा कि हम लोग एक्सेस मॉडिफायर को किस तरीके से यूज़ करते हैं।